सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से, मतलब बॉम्बे से, और हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट। वी आर गोइंग लंदन यूके। सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड एंड द थिंग इज कि अभी हम कैब में बैठे हैं और बहुत सारा सामान है, एयरपोर्ट में जाना है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद से अभी सबसे पहला काम जो है आई नीड टू जस्ट एक्सचेंज करेंसी, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आई वॉज टू बिजी। तो मुझे एयरपोर्ट से ही लेना पड़ेगा करेंसी। आप चाहें तो बाहर से भी करेंसी अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मुझे एयरपोर्ट से लेना पड़ेगा। एंड करेंसी चेंज करने के बाद इमिग्रेशन वगैरह हम फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, देन विल फ्लाई टू यू। टाइमिंग के हिसाब से हम कुछ 1:30 और 2:00 के अराउंड पहुंचेंगे अगर हम राइट टाइम है तो। अभी हमने चेक इन कर लिया है एंड इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गई है हमारी। सब चीज़ बहुत ही स्मूथ था एंड कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। तो अभी हम पूरा एयरपोर्ट घूम चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बिजनेस क्लास लाउंज में, दैट इज़ अदानी लाउंज। सो लेट्स गो, कम। अभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है रिसेप्शन पे, सो अभी हम अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इज वेरी नाइस, कम। किधर बैठे किधर बैठे, सीट ढूंढ रहा हूँ।
किधर बैठना है यार। सीट ढूंढ रहे हैं, अच्छी वाली सीट जहाँ से व्यू अच्छा हो। इधर बैठे हैं और ये साइड पे इधर बैठते हैं। हाँ लेट्स हेयर और देयर, लेट्स सिट हेयर। तो अभी हमने जस्ट इमिग्रेशन वगैरह सब कंप्लीट किया है, बहुत स्मूथ था, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भी इजली कर सकते हैं। उसके बाद हम अंदर आए हैं, आने के बाद से अभी हम लाउंज में आए हैं एंड दिस इज बिजनेस क्लास लाउंज, यू कैन सी। तो मैं अभी बहुत देर के बाद बैठी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी हमने सामान रखा है अपना हैंड लगेज एंड अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने और थोड़ा कुछ खाएंगे, भूख लगी है बहुत तेज़, खाएंगे फिर आपसे बात करेंगे। अभी हम आ गए लाउंज में, बहुत तेज़ भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। काम दिस इज बेक्ड फिश विच आई डोंट लाइक। ये बिरयानी है जो मैंने ले लिया है और ये है मटन रारा एंड चिकन। सो आई विल हैव चिकन बिकॉज आई लाइक चिकन, आई डोंट लाइक मटन। सो यस हियर वी गो। This is very yummy. I'm too hungry. Burnt garlic noodles. Garlic noodles से वो हम बाद में खाएंगे। This is white pasta. Come and see. This is white pasta. And I'll have papad. Papad is my favorite. And पालक पनीर एंड वेजिटेबल कोल्हापुरी, आई डोंट लाइक वेज। दाल मखनी, धनिया और जीरा राइस, दिस इज जीरा राइस, दिस इज टोमेटो सूप विच आई डोंट लाइक। सो यस एंड वॉट इज दिस, दिस इज कचौरी चाट। And here is salad. I'll have some salad more. Come. This is something in egg. Let's try this. This is egg salad. It is looking very yummy. और ये sandwiches हैं, तो I'll have one sandwich. Yes. So अभी done. एक चम्मच लूँगी, एक fork लूँगी and एक knife भी लूँगी. This is rice firne. ये हमारा डेजर्ट है, हम खाने के बाद खाएंगे। आप भी आओ और खाओ, अब भूख लगी है, खा लेती पहले। सो हमारा खाना हो गया गाइस, बहुत ही टेस्टी खाना था, भर के खाया है मैंने क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी एंड इतनी वैरायटी थी कि आप पूछिए। तो ऑल डन, अभी मैं लाउंज में अंदर आ गई हूँ और यहाँ
बहुत ही काम एंड बहुत ही पीसफुल माहौल है, तो यहाँ पे बड़ी प्यारी नींद आ सकती है आपको। मैं तो कहती हूँ घर से जल्दी निकलिए अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो, लाउंज में आके मस्त टाइम स्पेंड कीजिए, खाइए पीजिए घूमिए ड्रिंक कीजिए मसाज कीजिए, सब चीज़ है यहाँ पे, एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ, फ्लाइट 4:30 की है तो तब तक मुझे यहीं पे बैठना है, टाइम पास करना है। लेट्स सी, हो सकता है मैं मसाज करवा लूँ अपना फुट मसाज, एंड या तो फिर मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। 4:30 फ्लाइट है, उसके बाद फिर दुबई है, दुबई में मिलते हैं आपसे। अभी हम आ चुके हैं एमरेट्स बिजनेस क्लास में, एंड देखिए बड़ा ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पे, एंड बड़ा ही रिलैक्स फील हो रहा है, एंड बहुत रिच फील हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन है, यहाँ पे मस्त टाइम पास हो सकता है। सीट नंबर लिखा हुआ है, मुंबई टू दुबई, दिस इज़ माई फ्लाइट नंबर एंड ऑल, एंड जिसमें ये इंफॉर्मेशन बटन है, अगर आपको कुछ पता करना हो तो आप सब पता कर सकते हैं। टुडेज फ्लाइट, फ्लाइंग एमिरेट्स, डिस्कवर दुबई, वॉट एवर, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लेट्स चेक दिस, अभी क्या है, यहाँ कम्युनिकेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पर क्या दिया हुआ है, पैसेंजर सर्वे, वाईफाई, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे देखते हैं क्या है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरटेनमेंट पार्ट्स आ जाता है। मूवी देखना है मूवी देख सकते हैं, दुबई एंड द यूएई, म्यूजिक, टीवी, फूड, पॉडकास्ट एंड ऑडियो, यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है एमरेट्स में, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट, आई कैन से दिस। एंड फिर से इसको हम बैग जाते हैं, और अभी आप इधर आ जाइए, स्क्रीन पे एक छोटा सा स्मॉल सा पार्ट बना हुआ है जिसमें कैमरा है, कहाँ पे भी हमारी फ्लाइट रुकी हुई है, बाहर कहाँ पे है, एयरपोर्ट पे, सारा लोकेशन आपको बताएगा कि हमारी फ़्लाइट कहाँ है। तो कैमरा फैसिलिटीज़ भी है, कहाँ पे एग्जैक्ट फ्लाइट, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। हेयर यू कैन सी, ये सीट कितना कंफर्टेबल है, ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे तो आई विल गो आगे, आगे की ओर, पूरा आगे की ओर जा रही है। एंड इफ आई डू दिस, प्रेस दिस वन, तो मैं सो जाऊंगी, बट मैं ये पूरा भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी सो जाऊंगी। ये करा वापस से, फिर हम इस मोड में आ गए, दिस इज सिटिंग मोड अगेन। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए आपको जैसे जैसे भी आपको बैठना है, कंफर्टेबल है, लेटना है, आधा लेटना है, पूरा लेटना है, वैसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही प्यारा सा एक चूज़ भी हमें मिला है आते आते, एंड आप देख सकते हो पूरा व्यू कितना प्यारा है।
ये है हमारा प्रेस बटन, जिससे ये ऊपर हो जाता है, सेपरेट हो जाएंगे हम। अगर हमारे बाजू में कोई है तो हमें नहीं चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और आपके साथ कोई आपकी जान पहचान का है और साथ में बैठना है, तो आप इसको डाउन कर सकते हैं, तो आप दोनों साथ में बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक इसमें फंक्शन दिया हुआ है, विच आई रियली लाइक दैट। इससे नीचे नहीं जा रहा है। लेट मी डू अगेन। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे एक छोटा टैबलेट दिया हुआ है, ठीक है। ये टैबलेट निकलता नहीं है शायद। हाँ, ये नहीं निकलता, ये लॉक है, आप नहीं निकाल सकते। आई एम रियली सॉरी। आपको जो भी ऑपरेट करना है यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे पानी रखा हुआ है, पीछे कोल्ड ड्रिंक है, एंड कुछ तो भी ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, आप अपना बहुत ही आराम से फ़ोन चार्ज कर सकते हैं सुकून में। यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। सो गाइज, अब भी जस्ट दुबई एयरपोर्ट हम लोग लैंड किए हैं, और अभी मैं गेट ढूंढ रही हूँ जहाँ से हमारी यूके की फ्लाइट है। एंड द गेट नंबर इज C17। एंड द थिंग इज़ कि ये दुबई एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, और मैं काफ़ी टाइम से गेट ढूंढ रही हूँ, बट फाइनली इधर है गेट, तो अभी हम जा रहे हैं। तो अभी लाउंज में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, टेस्टी टेस्टी खाना खा लिया है सुबह सुबह, मस्त वाला। अभी थोड़ा सा दुबई एयरपोर्ट घूमते हैं, क्योंकि हम दुबई से बाहर निकल, एयरपोर्ट से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, हमारे पास वीज़ा है नहीं। तो थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमते हैं एंड फिर हम जाते हैं अपने गेट नंबर पे, जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। ओके, चलिए आइए। राइट साइड में स्टारबक्स है, विच इज़ वेरी नॉर्मल एट एनी एयरपोर्ट। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, बहुत चलना पड़ता है गाइज, यहाँ पे बहुत बहुत चलना पड़ता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अगर हमें कहीं जाना है, कुछ ऐसे अच्छे शॉप पे जाना है, तो हमें डाउन जाना पड़ेगा टफट, क्योंकि हमारे पास अभी, हम नीचे जाते हैं, नीचे देखिए, सी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड्स, चॉकलेट्स, मेकअप, ड्रिंक्स, एवरीथिंग, एंड डेट्स, जो दुबई का बड़ा फेमस है। तो सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ा थोड़ा सब पे नज़र मारेंगे और फटाक से जाएंगे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कम। ये टेक्सचर है, हम यहाँ पे खुद से ट्राई कर सकते हैं, हमें जो पसंद आएगा हम ले सकते हैं, यहाँ ट्राई कर सकते हैं इस पर। नॉट ओके, लेट्स ट्राई दिस। दिस इज नाइस, आई टेक दिस। तो हमने अभी परफ्यूम ले लिया है, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है उसका। अभी हम देखते हैं और क्या है। आइए मैं आपको स्पेशल जगह लेके चलती हूँ। सी, टंटाना, वाओ, लुक एट दिस। दिस इज शैम्पेन बॉटल, बहुत अट्रैक्टिव है। मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ ड्रिंक के बारे में, तो हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं।
दिस ऑल आर शैम्पेन्स बॉटल, ये है जिन। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। लुक एट दिस गाइस, दिस इज टू सेक्सी बॉटल यू कैन सी, एंड द प्राइस इज 299 इन USD एंड इन दिरहम इट इज 1079 दिरहम। ज्वेलरी है देख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल ऊपर ट्री लगे हुए हैं गोल्ड कलर के। दिस इज गोल्ड ज्वेलरी शॉप जो दुबई का भी बहुत फेमस है गोल्ड। दिस ऑल आर ऑर्नामेंट्स, सारे गोल्ड एंड डायमंड्स हैं। लुक एट दिस, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, तो आपको जो मर्ज़ी चाहे ले सकते हैं। तो अभी जितना हो सका मैं दुबई एयरपोर्ट घूमी, बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी हम चलेंगे अपने गेट की तरफ, और क्योंकि फ़्लाइट की टाइमिंग हो रही है बोर्डिंग करना पड़ेगा हमें, और हम सीधे आपसे मिलेंगे UK एयरपोर्ट पर। Second one.